डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जब रिंग होती है इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। अगर इसमें एक सर्कल लगा दिया जाए या अल्टरनेट डबल बॉन्ड, उसको हम कंजुगेशन भी बोलते हैं, तो एक सर्कल लगा दिया जाए इसमें तो इसको हम बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन को अगर एक मिथिल ग्रुप अटैच कर लिया जाए तो इसको हम टूलिन बोलेंगे या मिथिल बेंजीन बोलेंगे। और एक ग्रुप और एक CH3 ग्रुप अटैच कर दिया हमने यहाँ पे, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबरिंग देना पड़ेगा। अब नंबरिंग कैसी होनी चाहिए, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंबरिंग देते समय ये जो ब्रांचिंग है या ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप, यहाँ पे मिथिल ग्रुप, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होना चाहिए। सो व्हेन नंबरिंग गिव्स टू सच अ रिंग इट शुड क्लॉकवाइज आइदर और एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड थिंग इज दैट the substituent should add the minimum possible number. अब क्या करेंगे, इसको हम इसको first number देंगे, इसको second number देंगे, ये third, fourth, fifth और ये sixth। अब इसको naming करते समय क्या करना है, दोनों भी groups जो है, दोनों भी substituents है वो same है, तो जब दो substituents same होते हैं तब हम उसको die लगाते हैं। तो 1, 2 यहां पे डाय मिथिल और ये बेंजीन, तो ये नाम क्या आया इसका, इसका नाम आया 1,2 डायमिथिल बेंजीन। अगर दूसरा एग्जांपल देखें हम, तो दूसरे एग्जांपल में यहां पे CH3 होगा और यहां पे CH2 CH3 होगा। अब ये जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग को आपको दिखाई दे रहा है दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक तो एक सब्स्टिट्यूएंट CH3 और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट CH2 CH3। अब जो इस सब्स्टिट्यूएंट में दो कार्बन है, मतलब ये इथिन है और ये सेकंड वन जिसमें एक कार्बन है ये मिथिल है। अब नंबरिंग किसको करेंगे, अब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? तो जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। मतलब ये इथिल है ई से शुरू होता है, ये मिथिल है एम से शुरू होता है, तो नंबरिंग प्रायोरिटी जाएगा इथिल को, तो इथिल गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये पहले पोजीशन पे आएगा। अब सेकंड नंबरिंग, सेकंड नंबरिंग देते समय भी ये ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट शुड ऐड द मिनिमम पॉसिबल नंबर। तो यहां पे ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है तो सेकंड नंबर पे आता है। अब नाम लिखते समय भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, 1 पोजीशन पे है इथिन तो ये 1 एथिन, 2 पोजीशन पे है मिथिल तो ये 2 मिथिल और ये बेंजीन। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल में हमने वही रूल फॉलो किया लेकिन यहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया, तो यहां पे इथिल सब्स्टिट्यूएंट को फर्स्ट नंबरिंग और बाद में सेकंड नंबरिंग मिथिल सब्स्टिट्यूएंट को। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड रूल, यहां पे CH3 ये CH2 CH3 और यहां पे CH3 और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, दैट इज द कंजुगेशन। अब फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें किसको देंगे या नंबरिंग कहां से देंगे? नंबरिंग एक तो क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब इसमें अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, मतलब यहां पे ये इथिल है, ये मिथिल है, ये मिथिल है, तो इसमें अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं तो वो गलत हो सकता है। गलत किस कारण हो सकता है, अगर हम इथिल को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है वहां पे तो यहीं पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो यहां पे फर्स्ट पोजीशन देंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये 1 पोजीशन पे आएगा इथिल
टू पोजीशन पे आएगा मिथिल, थ्री फोर फाइव, फाइव पोजीशन पे आएगा मिथिल। तो आपके जो तीन सब्स्टिट्यूएंट्स है वो तीन सब्स्टिट्यूएंट्स फर्स्ट पोजीशन पे इथिल, सेकंड पोजीशन पे मिथिल और फिफ्थ पोजीशन पे मिथिल। अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं फॉलो करके अगर हम नंबरिंग देंगे या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे मिथिल को, तो सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इस नंबरिंग के मुताबिक अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है वन पोजीशन पे तो ये वन, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है टू पोजीशन पे टू, और थर्ड सब्स्टिट्यूएंट है फोर्थ पोजीशन पे तो ये फोर। तो यहां पे वन टू फाइव, मतलब वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस फाइव एट, यहां पे वन प्लस टू थ्री और थ्री प्लस फोर सेवन। तो इसको बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट। तो यहां पे थर्ड रूल क्या फॉलो करना चाहिए, यहां पे रूल है कि अगर दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहां पे इस एग्जांपल में तीन सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसमें क्या फॉलो करना चाहिए, तो इसमें फॉलो करना चाहिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स। मतलब एक पोजीशन पे अगर मिथिल आ रहा है तो वो सही है, क्योंकि वो फॉलो करता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स को। तो मिथिल फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, इथिल सेकंड पे आएगा और फोर्थ पोजीशन पे मिथिल आएगा। तो ये वन टू फोर है, जब हम इथिल को देंगे तो आएगा वन टू फाइव। तो ये वन टू फाइव वाला लोएस्ट सेट लोकेट्स फॉलो नहीं करेगा। तो सही नंबरिंग है वन टू थ्री फोर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की नंबरिंग सही है। तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा, अब नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहां पे आएगा टू पोजीशन पे, टू पोजीशन पे है इथिल, फिर वन पोजीशन पे और फोर पोजीशन पे दो मिथिल ग्रुप है, तो वन कॉमा फोर डायमिथिल, दो है इसलिए डायमिथिल। अब ये लिखते समय डाय दो है इसलिए डाय लगाते हैं, अगर थ्री है तो ट्राई लगाएंगे, लेकिन लिखते समय डाई लिखना है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस डाई को कंसीडर नहीं करना है, डायरेक्टली जो मेन वर्ड है मिथिल या इथिल उसको कंसीडर करेंगे। तो इसके कारण इथिल पहले आएगा फिर डाई मिथिल आएगा, तो ये टू इथिल वन फोर डाई मिथिल बेंजीन। तो तीन एग्जांपल्स में तीन रूल हमने फॉलो किए, इसमें रूल्स क्या फॉलो किया, इसमें रूल्स फॉलो किया या तो नंबरिंग क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए और सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होना चाहिए, ये रूल यहां पे फॉलो किया। यहां पे रूल क्या फॉलो किया, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है तो चॉइस है आपके पास, इसको भी फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, इसको भी फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, तो तब कौन से सब्स्टिट्यूएंट को फर्स्ट नंबर देना चाहिए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। तो इसके कारण यहां पे इथिल को फर्स्ट प्रायोरिटी आया, फिर मिथिल को सेकंड पोजीशन पे आया। थर्ड एग्जांपल में थर्ड रूल हमने क्या सीखा, थर्ड रूल ये था कि दो से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो वहां पे अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करता है तो करो, अगर नहीं कर रहा है तो मत करो। मतलब यहां पे वन पोजीशन पे मिथिल आ रहा है, टू पोजीशन पे इथिल आ रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने नंबरिंग दिया तो ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स फॉलो करता है, तो यही बराबर है, क्योंकि चाहे वो मिथिल हो या इथिल हो, लेकिन अगर वो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को फॉलो कर रहा है तो वही सही है। तो ये वन मिथिल, ये टू इथिल और ये फोर मिथिल। तो नाम लिखते समय इथिल पहले लिखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बाद में मिथिल आता है, डाय लिखना है लेकिन कंसीडर नहीं करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए, तो नाम आएगा टू इथिल वन फोर डायमिथिल बेंजीन। अब इसके बाद थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स, थ्री इंपॉर्टेंट रूल किसके बारे में, तो यहां पे एक एग्जांपल देखेंगे हम, यहां पे एग्जांपल है छोटा सा, ये है साइक्लोप्रोपेन, रिंग में तीन कार्बन है इसलिए हम इसको साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, और उसके बाद CH2 और CH3। इस एग्जांपल में आपके सामने दो प्रकार का चेन है, एक तो साइक्लिक चेन है और दूसरा स्ट्रेट चेन है। अब काउंट करो कि साइक्लिक चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन,
तो यहां पे साइकिल में 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अब जो स्ट्रेट चैन है उसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसको नेमिंग कैसा होना चाहिए? तो जब साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन और स्ट्रेट चैन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम है तो इसको नेमिंग करना है डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोअल्केन। दिस कंपाउंड इज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोअल्केन। मतलब क्या आएगा? मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट पोजीशन पे 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मतलब प्रोपिल, तो यहां पे 1 प्रोपिल, ये प्रोपिल, और ये जो है ये है साइक्लोप्रोपेन। तो यहां पे रूल क्या है, अगर कंपाउंड इस प्रकार का है जिस कंपाउंड में साइक्लिक चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम है तो वहां पे नाम लिखते समय लिखना है कि ये आपकी मेन चेन है साइकिल और ये आपकी ब्रांचिंग है। तो यहां पे नाम क्या आएगा, यहां पे आएगा 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। सो रूल इज क्लियर, वेयर साइक्लिक कंपाउंड एंड स्ट्रेट चेन अटैच्ड टू ईच अदर एट दैट टाइम इफ साइक्लिक कंपाउंड कंटेंस एंड चेन कंटेंस सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट दैट टाइम इट इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोअल्केन। मतलब साइक्लोअल्केन साइक्लिक चेन आपके लिए मेन होगा और जो साइकिल के बाहर का स्ट्रेट चेन है वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए ब्रांचिंग होगा। तो ये आएगा 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। और एक एग्जांपल देखेंगे हम, और एक एग्जांपल इसमें 4 कार्बन एटम्स है साइकिल है, तो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके पहले हम साइक्लो लगाते हैं और साइक्लो के बाद अल्केन का नाम लिखते हैं। तो ये आएगा साइक्लो, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। अब साइक्लो ब्यूटेन को अटैच है CH2 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 और ये CH3। अब साइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 और बाहर का जो है स्ट्रेट चेन उसमें नंबर ऑफ, दैट इज अल्किल ग्रुप, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी 4 है, तो अल्किल ग्रुप में भी 4 है और साइक्लो अल्केन में भी 4 है, तब नेम कैसे लिखेंगे? तो तब नाम लिखते समय इट इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लो अल्केन। तो ये आपका ब्रांचिंग है और ये आपका मेन चेन है, तो नाम लिखते समय क्या लिखेंगे आप, 1 ये ब्यूटिल है 1 2 3 4, तो ये ब्यूटिल है 1 ब्यूटिल, अब ये साइक्लो साइकिल है इसलिए साइक्लो ब्यूटेन, तो ये नाम आएगा 1 ब्यूटिल साइक्लो ब्यूटेन। और एक एग्जांपल देखेंगे हम, ये साइक्लो पेंटेन 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसको बोलेंगे साइक्लो पेंटेन और आगे अटैच है CH2 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 1 2 3 4 और ये CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द अल्किल ग्रुप 5, इन द साइक्लिक ग्रुप 5, सो वेयर इन साइक्लिक ग्रुप एज वेल एज इन अल्किल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर द सेम, देन नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लो अल्केन। तो ये आपका ब्रांचिंग होगा और ये आपका मेन चेन होगा, तो यहां पे नाम क्या आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है इसलिए 1 पेंटेन PENTYL पेंटेन और ये साइक्लो पेंटेन, 1 पेंटेन साइक्लो पेंटेन। इन नेक्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये साइक्लिक रिंग और ये अल्किल ग्रुप, तो साइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 और अल्किल ग्रुप में 1 2 3 4 5 6, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, सो इन बोथ साइक्लिक रिंग एज वेल एज इन द अल्किल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, दैट इज द 6 इन दिस एग्जांपल। So, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे करेंगे ये जो है आपका साइक्लिक रिंग ये मेन है और ये जो है आपका ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम लिखेंगे यहां पे 1-hexyl, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द अल्किल ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड एज द हेक्सिल, सो 1-hexyl और ये आएगा साइक्लोहेक्सेन।
तो हमने देखा कि अगर साइक्लिक रिंग में और अल्किल ग्रुप में जो साइक्लिक रिंग को अटैच है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर दोनों में भी सेम है तो इट इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लो अल्केन, मतलब अल्किल आपका सब्स्टिट्यूएंट है और साइक्लो अल्केन आपका मेन चेन है, तो नाम क्या आएगा, अल्किल साइक्लो अल्केन। अब हम देखेंगे अगर ये साइक्लो प्रोपेन, थ्री नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसको बोलेंगे हम साइक्लो प्रोपेन। अब साइक्लो प्रोपेन और ये CH2 और ये CH3, यहां पे अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइक्लिक ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3, 1, 2, 3, एंड इन अल्किल ग्रुप द पार्ट ऑफ अल्केन विच इज आउटसाइड द रिंग कंटेन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2, तो यहां पे 3 है यहां पे 2 है। अब क्या करेंगे, तो जब साइकिल में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड अल्किल ग्रुप कंटेन्स लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन आल्सो इट इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लो अल्केन, इसको भी हम साइक्लो अल्केन का डेरिवेटिव समझ कर ही नाम लिखेंगे। तो यहां पे नाम क्या आएगा, यहां पे नाम आएगा इथिल, ये दो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है बाहर, तो इसको बोलेंगे इथिल, और ये है साइक्लो इथिल साइक्लो प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये पेंटाइल साइक्लो पेंटेन, इट इज साइक्लो पेंटेन CH3 CH CH2 CH3। अब यहां पे काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 और साइकिल के बाहर जो अल्किल ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4, तो इसको भी ट्रीटेड करना है एज अ डेरिवेटिव ऑफ साइक्लो अल्केन। तो इसमें भी साइक्लो अल्केन आपका क्या है, मेन चेन है, और जो अल्किल ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेस है साइक्लो अल्केन से, तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब ये 1, 2 टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग दो, जहां पे ये साइक्लो ग्रुप नजदीक होना चाहिए, तो 3, 4, अब ये 4 मतलब ब्यूटिल है, तो 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे साइक्लो पेंटिल है, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 2-ब्यूटाइल साइक्लो पेंटेन। तो ये जो 2 है वो 2 किस लिए है, तो 2 बता रहा है कि कौन सा नंबर ब्यूटिल का अटैच है पेंटेन को, साइक्लो पेंटेन को, तो ये 2 पोजीशन ऑफ कार्बन या सेकंड कार्बन अटैच है साइक्लो पेंटेन को, तो इसको हम बोलेंगे 2-ब्यूटिल साइक्लो पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल ये है साइक्लोहेक्सेन, अगर इसमें रिंग देते हम तो वो हो जाएगा बेंजीन, तो ये है साइक्लोहेक्सेन, अब ये CH3, ये CH, ये CH2 और ये CH3, काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द साइक्लिक ग्रुप 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड आउटसाइड द साइकल मींस इन द अल्किल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये जो कार्बन है वो उसका नंबर क्या है टर्मिनल से, मतलब कौन से नंबर का कार्बन अटैच है इस साइक्लो ग्रुप को, तो ये 1, 2 यहां से नंबरिंग देंगे तो 1, 2, 3 पोजीशन पे आएगा तो वो दूर होगा, तो ये जो साइक्लो ग्रुप है वो नजदीक होना चाहिए, तो ये 1, 2, 3, 4 तो सेकेंड पोजिशन पे अटैच है, तो यहां पे भी आएगा 2-ब्यूटाइल ये साइक्लोपेंट साइक्लोहेक्सेन अटैच हुआ है सेकंड कार्बन को ब्यूटिल के, तो यहां पे 2-ब्यूटिल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH2 CH3, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द अल्किल ग्रुप आर 4
और यहां पे हम अटैच करेंगे एक साइक्लो ग्रुप जिसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये आएगा साइक्लोप्रोपेन, ये आएगा साइक्लोप्रोपेन। ओके, अब यहां पे हम नंबरिंग देंगे सेलेक्टेड चेन को, तो सेलेक्टेड चेन को नंबरिंग देते समय ये यहां पे क्या है, अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो बाहर जो अल्किल ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है और जो साइक्लिक ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, तो ये नंबरिंग देते समय टर्मिनल कार्बन से और ये साइक्लिक ग्रुप जो है वो नजदीक होना चाहिए, तो ये 1, 2, 3 और ये 4, तो यहां पे आएगा 2। अब यहां पे नाम क्या देंगे, तो अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस एग्जांपल। सेकंड वन इज दैट साइक्लिक ग्रुप कंटेन्स 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मींस लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। स्ट्रेट चेन या अल्किल ग्रुप कंटेन्स 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मीन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इन सच एग्जांपल्स व्हेन नेमिंग द कंपाउंड्स इट इज ट्रीटेड एज डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, इट इज नॉट अ साइक्लो, सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो अब आपका जो ये साइक्लिक ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो अल्केन ग्रुप है ये आपका मेन चेन है, तो यहां पे 2 पोजीशन पे ये साइक्लिक ग्रुप अटैच है, इसलिए हम 2 साइक्लोप्रोपीन ब्यूटेन CH2 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये जो स्ट्रेच चेन है साइकिल के बाहर अल्केन में इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तब क्या करेंगे, तब जब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड इन अल्किल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर मोर देन इट इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो यहां पे ये जो है ये आपका मेन चेन है और ये जो है आपका ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग देते समय टर्मिनल कार्बन से 2 ये नजदीक होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, सो 3 पोजीशन पे 3 साइक्लो साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, साइक्लो में 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो ये साइक्लो ब्यूटिल और सेलेक्टेड चेन में 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हेक्स और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन, तो ये नाम आएगा 3 साइक्लो ब्यूटिल हेक्सेन। तो इस टेबल में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करना है, अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों जगह पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम है तो नाम लिखते समय इट इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लो अल्केन, मतलब जो अल्किल ग्रुप है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, ब्रांचिंग होगा और जो साइक्लिक ग्रुप है वो आपका मेन चेन होगा। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर रिंग में ज्यादा है और साइड चेन में कम है तब भी नाम लिखते समय दैट कंपाउंड इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लो अल्केन, मतलब जो साइक्लिक चेन है वो आपकी मेन चेन है और जो अल्किल ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेस है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, सो इट इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लो अल्केन। थर्ड में देखेंगे कि रिंग में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है लेस है और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर ज्यादा है तो दैट कंपाउंड इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो सिर्फ इसी एग्जांपल में जिसमें साइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है और साइड चेन में ज्यादा है तभी आपका जो रिंग है वो आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और जो साइड चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है वो आपका हो जाएगा मेन चेन, तो उसको बोलेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। थैंक यू।